सिद्धार्थ कुमार, हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा लिविंग क्या होता है, लिविंग को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या क्या होता है। उसके बाद पढ़ा डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी में के बाद पढ़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, कैसे किसी को डिफाइन करते हैं, किसी लिविंग को कैसे डिफाइन करते हैं, किस ग्रुप में रखते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में उसको नेमिंग कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ा, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके बाद क्लासीफाई कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि क्लासीफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। याद कीजिए जो मैंने बताया था सबसे पहले, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब स्टेप में डिवाइड किया जाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यही था। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज अ हायरार्की, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, और हर एक स्टेप एक कैटेगरी या रैंक कहलाता है। हर एक स्टेप जो है वो कैटेगरी या रैंक कहलाता है, और कोई भी लिविंग मिलता है उसको इन सब को फॉलो करना पड़ता है। वो किस स्पीसीज में आएगा, किस जीनस का होगा, किस फैमिली का होगा, ऑर्डर का होगा, क्लास का होगा, फाइलम का होगा, किंगडम का होगा, इस सारे स्टेप को फॉलो करके उसका नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, ये भी पढ़ लिया था। सॉरी, स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज होता है सबसे बेसिक यूनिट। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, मतलब जितने ह्यूमंस हैं वो सारे सेम स्पीसीज के, सेपियंस, सेपियंस स्पीसीज है हम लोग का। तो उसी स्पीसीज में सारे ह्यूमंस, पूरी अर्थ में जितने ह्यूमंस हैं वो एक ही स्पीसीज में आते हैं, सेपियंस में आते हैं। चाहे कहीं का हो, चाहे यहाँ का हो, या अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अंटार्कटिका का हो, सारे ह्यूमंस एक ही स्पीसीज में आते हैं, सेपियंस स्पीसीज में। और हम ह्यूमंस के बीच देखो जो फंडामेंटल जो सिमिलरिटी है, जो फंडामेंटल सिमिलरिटी, वो सब एक ही जैसा है। जो बेसिक, अब हम ह्यूमन है, हमारा जैसा रेस्पिरेशन है, जैसा न्यूट्रिशन है, जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, दो हाथ, दो पैर, दो आई, दो ईयर, दो मॉर्फोलॉजी, ऐसा ही पूरे वर्ल्ड के, पूरे अर्थ पे जितने स्पीसीज है, सॉरी जितने ह्यूमंस है, सबका फंडामेंटल सिमिलरिटी है। सब सेम एक जैसे दिखते हैं, सब में समानताएं हैं। इसको बोलते हैं स्पीसीज, बेसिक यूनिट्स, समझ में आया? इसको बोलते हैं स्पीसीज। उसके बाद मैं बता जीनस के बारे में। जीनस क्या होता है, जीनस एक हो सकता है, उसके बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा लियो किसको बोलते हैं, लायन को। पैंथेरा वर्ड क्या है, जीनस है, आपको पता है नोमेनक्लेचर में बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकेंड वर्ड स्पीसीज। जो पैंथेरा है वो क्या, जीनस है। तो जो जीनस हो गया वो पैंथेरा, और लियो क्या हो गया, स्पीसीज, टिग्रिस क्या हो गया, स्पीसीज। एक जीनस के अंदर जितने स्पीसीज होते हैं उनमें भी काफी सिमिलरिटीज होती है। एक स्पीसीज के अंदर, सॉरी एक जीनस के अंदर जितने स्पीसीज होते हैं उनमें भी काफी सिमिलरिटीज होती है। अब देखो मैं जो बता रहा हूं, पैंथेरा एक जीनस, उसके अंदर कौन कौन सा स्पीसीज, टिग्रिस, लियो, पैडस, पैंथेरा पैडस बोलते हैं लेपर्ड को, लेपर्ड का बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पैडस, सबका जीनस पैंथेरा, और स्पीसीज अलग, टिग्रिस अलग, टाइगर का स्पीसीज अलग है, लायन लायन शेर का स्पीसीज अलग है, लेपर्ड चीता इसका स्पीसीज अलग है। लेकिन आप देखो तो तीनों में बहुत सारी मिलते जुलते कैरेक्टर्स होते हैं, देखने में थोड़े से डिफरेंस जरूर होते हैं, लेकिन बाकी सब देखो उनका
जो न्यूट्रिशन होता है, खाने का जो तरीका होता है, जो शिकार करते हैं, दौड़ के करते हैं, छुप के करते हैं, उससे काफी मिलता जुलता है। ये तो कॉमन कैरेक्टर्स, एक जीनस के अंदर, यानी दो डिफरेंट स्पीसीज है एक जीनस के अंदर, मतलब एक पैंथेरा के अंदर दो डिफरेंट स्पीसीज भी है, फिर भी उनका कैरेक्टर बहुत मिलता है। समझ आया? इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, कौन कौन सा? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पैडस। समझ में आया? स्पीसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है। स्पीसीज बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, उसमें सारे सिमिलरिटी मिलते जुलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमंस का, सेपियंस स्पीसीज में आता है, सबका कैरेक्टर मिल रहा है। उसके बाद आया जीनस पे, एक जीनस के अंदर जितने स्पीसीज होते हैं ये सारे आपस में ज्यादा मिलते हैं इन कंपेयर टू अदर जीनस। मेरी बात सुन रहा? एक जीनस के अंदर यदि दो तीन स्पीसीज है उसमें समानताएं ज्यादा होगी दूसरे जीनस के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा? कोई एक जीनस है, ये दूसरा जीनस है, ठीक है, दोनों का दोनों अलग जीनस है। एक जीनस में जो स्पीसीज है उन स्पीसीज में ज्यादा सिमिलरिटीज होगी इन कंपेयर टू सेकेंड जीनस। जैसे पैंथेरा जीनस है, टाइगर लॉयन लेपर्ड, इनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, और दूसरा जीनस लेते हैं फेलिस, फेलिस आता है कैट, जो कैट होती है बिल्ली, उसको जीनस बोलते हैं फेलिस। और पैंथेरा को फेलिस से कंपेयर करके देखो, पैंथेरा को फेलिस से कंपेयर करके देखो, इन दोनों के अपेक्षा इन दोनों से ज्यादा सिमिलरिटी किसमें है, जो इस जीनस के दोनों स्पीसीज है। ये भी जीनस, ये भी जीनस, एक पैंथेरा जीनस, एक फेलिस जीनस, फेलिस कैट का, इन दोनों में जितनी सिमिलरिटीज है, दोनों आपस में एक जीनस के बीच जितनी सिमिलरिटीज है उससे ज्यादा सिमिलरिटीज है एक जीनस के स्पीसीज के अंदर। समझ में आ गया? यही मैंने लिखा है। देखो, फर्स्ट स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। मैंने बता दिया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल सिमिलरिटीज। इच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा अलग स्पीसीज हो सकते हैं। इच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मैंने बताया एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को शो करते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उनमें काफी समानताएं होती है। जैसे मैं बताया टाइगर के बारे में, लॉयन के बारे में, लेपर्ड के बारे में काफी मिलती समानताएं होती है। ये लिखा हुआ जो मैंने बोला वही लिखा हुआ। एग्जाम्पल पैंथेरा लियो पैंथेरा टिग्रिस, ये तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड था जीनस, जीनस क्या था? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। ये बताया था, बताया था बिल्ली के बारे में। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज मतलब एक रिलेटेड स्पीसीज कौन सा होता है? टाइगर लायन, ये आपस में काफी रिलेटेड स्पीसीज है। टाइगर अलग स्पीसीज है, लायन अलग स्पीसीज है, लेपर्ड अलग स्पीसीज है, ठीक है। व्हिच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, यही बात है, उनका कैरेक्टर्स काफी मिलता जुलता है इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। दूसरे जीनस, दूसरे जीनस का स्पीसीज होगा उससे ज्यादा मिलेगा एक जीनस के सेम स्पीसीज में। समझ में आया? दो डिफरेंट जीनस के स्पीसीज से ज्यादा समानता होगी एक जीनस के डिफरेंट स्पीसीज में। समझ में आ गया? एग्जांपल जाओ पोटैटो ब्रिंजल, पोटैटो का जीनस सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का सोलेनम मेलोंगिना, मेलोंगिना, ठीक है, ब्रिंजल का होता है। ये जो एस है, एस मतलब सोलेनम,
ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलेंजिना, दोनों का जीनस क्या है सोलेनम। दूसरा एग्जांपल है पैंथेरा लियो लायन का, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा पैगस लेपर्ड का, ये पी फॉर पैंथेरा है, ठीक है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हम देखते हैं थर्ड फैमिली के बारे में, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, अब फैमिली के बारे में। मैंने बताया लास्ट क्लास में जब भी अपन स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाएगा, किंगडम सबसे बड़ा होता है। मैंने बताया था एग्जांपल देखिए, एनिमल किंगडम जितने एनिमल्स है वो एनिमल किंगडम में आ गए, प्लांट किंगडम जितने प्लांट्स है वो प्लांट किंगडम में आ गए। जब स्पीसीज से जाते हैं किंगडम की ओर तो साइज बढ़ता जाता है, उसमें ऑर्गेनिज्म का नंबर्स बढ़ता जाता है, बहुत सारे स्पीसीज जेनरा सब मिलते जुलते हैं और साइज बढ़ता जाता है, लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स घटता जाता है, कॉमन कैरेक्टर्स घटता जाता है। जैसे ही ऊपर जाए, जैसे बताओ ना स्पीसीज सेपियंस स्पीसीज है या टाइगर स्पीसीज है, सारे टाइगर की बात हो रही है, मतलब सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही है, लेकिन जैसे जीनस के ऊपर जाएंगे, पैंथेरा जीनस क्या होता है पैंथेरा, और पैंथेरा के साथ टाइगर भी आ गया, लायन भी आ गया, लेपर्ड भी आ गया, नंबर्स बढ़ रहा है लेकिन सिमेट्री घट रहा है। जो दो टाइगर के बीच में कॉमन फीचर्स होंगे, क्या वो उतने ही लायन और टाइगर बीच हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब आएंगे ऊपर से फैमिली, अब आएंगे फैमिली के अंदर, अब सोचो फैमिली में बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बनाएंगे, बहुत सारे स्पीसीज मिलके जीनस को बनाया, अब बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली को बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएगा, बहुत सारे फैमिली मिलके ऑर्डर में आएगा, ऐसे ही बढ़ता जाता है, ठीक है। फैमिली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा मतलब बहुत सारे जीनस मिलके विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस, मतलब जितने भी रिलेटेड जेनरा होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जब फैमिली के बात देखेंगे, फैमिली क्या होता है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, बहुत सारे जीनस मिलके या जेनरा में क्या बनाया, फैमिली बनाया। अब जितने जीनस के बीच में कॉमन सिमिलरिटीज था उतने क्या फैमिली के बीच में होगा? नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि कॉमन फीचर या सिमिलरिटी जैसे जैसे बढ़ेंगे वो घटता जाएगा, वो कम हो जाता है, विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस। फैमिली में जो सिमिलरिटीज होती है वो जीनस के कंपेयर में कम होता है, ठीक है। और जो भी अपन फैमिली की बात करेंगे, ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट। जो फैमिली डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा प्लांट किस फैमिली में आएगा, उसके रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा फैमिली में जाएगा, ठीक है। एग्जांपल है सोलेनम ट्यूनिया दतुरा, ये सारे फैमिली है, सॉरी ये सारे जीनस है, सोलेनम आलू और सोलेनम ब्रिंजर बताया था, सोलेनम क्या है जीनस है, ट्यूनिया जीनस है, दतुरा ये जीनस है, बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाएंगे, ये सारे सेम फैमिली में आते हैं, कौन से फैमिली में, सोलेनेसी में। सोलेनेसी फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस और एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज, अब ऐसे ही क्या होगा, इसके बाद क्या आता है ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिली लेकिन सिमिलरिटी कम होता जाएगा, वही है ऑर्डर के अंदर। इट इज अ हायर कैटेगरी इन द असेंबलिंग ऑफ फैमिली, बहुत सारे फैमिली मिलके एक ऑर्डर बन गया विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, और जो कॉमन कैरेक्टर है वो कम होते जाते हैं, फ्यू हो जाते हैं। जैसे देखो सोलेनेसी एक फैमिली, कनोलेसी ये अलग फैमिली, और दोनों फैमिली मिलके एक ही ऑर्डर में आते हैं पॉलीमोरियस, ये पॉलीमोरियस ऑर्डर हो गया। अब इसी तरह बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे, क्लास,
बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर में क्या बनाएंगे क्लास, बहुत सारे क्लास में क्या बनाएंगे फाइलम, और बहुत सारे फाइलम में बनाएंगे किंगडम। नंबर बढ़ता जा रहा है, सिमिलरिटी कम होते जा रहा है। समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लो। अब देखते हैं क्लास, ऑर्डर हो गया, अब देखते हैं क्लास, क्लास में क्या होगा। अब सोचो क्लास के नीचे क्या आता है, ऑर्डर, यानी बहुत सारे ऑर्डर मिलके एक क्लास बनेंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनेंगे, और जो सिमिलरिटीज है वो कम होता जाएगा, बस यही होगा। क्लास इट इंक्लूडेड ऑर्डरिंग ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग दिस सिमिलरिटी, बस यही है। यहां से यहां तक बढ़ते जाएंगे तो ऑर्डर स्पीसी ग्रुप बना के जीनस बनाया, जीनस बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बना, बहुत सारे फैमिली के ऑर्डर बना, और बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बना। ऑर्डर देख लो, एक प्राइमेट होता है, प्राइमेट ऑर्डर होता है, उसमें कौन कौन सा आता है, मंकी गोरिल्ला ह्यूमन, ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेट होता है, ठीक है, मंकी गोरिल्ला और ह्यूमन, ठीक है। दूसरा प्राइमेट होता है कैट और डॉग का, कुत्ता बिल्ली का कौन सा प्राइमेट होता है, कार्निवोरा, ठीक है, सॉरी ऑर्डर, प्राइमेट ऑर्डर में मंकी गोरिल्ला आ गया और कार्निवोरा ऑर्डर में कैट डॉग आ गया, और ये दोनों ऑर्डर मिलके एक ही क्लास में आते हैं मैमेलिया, दोनों का ऑर्डर अलग। अब देखो ह्यूमन का स्पीसीज क्या था, जीनस, सॉरी ह्यूमन का जीनस क्या था, होमो, कैट का क्या था, फेलिस, ह्यूमन का होमो, कैट का फेलिस, दोनों का जीनस ही अलग था, और यहां आके एक ही क्लास में आ गया। यहां के सारे मंकी गोरिल्ला कैट डॉग जितने जितने आप देखते हो मेमेलिया, आपने बताया था मेमेलिया क्लास के अंदर वही आया जिसके अंदर मेमेरी ग्लैंड होंगे। अब जितने देखते हो काउ डॉग लायन एलिफेंट जितने भी हैं वो सारे मेमेलिया के अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, ह्यूमन भी उसी में, स्पीसीज के बेसिस पे तो अलग था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, इसमें ह्यूमन्स भी आ गए, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाएंगे मैमल्स, ठीक है, सेम वही होगा फाइलम में, उसके बाद फाइलम, फाइलम में वही होगा। सोचो बहुत सारे क्लास मिलके एक फाइलम बनाएंगे और सिमिलरिटी कम होते जाएगी, इसमें जो सिमिलरिटी थी उससे कम हो जाएगी। फाइलम यूज करते हैं एनिमल के लिए, डिवीजन यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, वही लिखा है इट इंक्लूडेड डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर, वही बात है। अब देखो ये सब अलग अलग एनिमल्स है, फिश एम्फीबिया बर्ड्स रेप्टाइल्स मैमल्स, ठीक है, ये सारे अलग अलग क्लास है, सारे अलग अलग क्लास है, और ये सारे क्लास आके एक फाइलम बन गए कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम में ही ये सारे आते हैं, जबकि सब का क्लास अलग अलग है। समझ आया, ऐसा ही क्या आएगा इसके बाद किंगडम, किंगडम आएगा, किंगडम में बहुत सारे फाइलम मिलके क्या बनाएंगे, या बहुत सारे डिवीजन मिलके क्या बनाएंगे, किंगडम, और किंगडम सबसे बड़ा, प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम एक, मतलब जितने भी प्लांट थे जिसके बारे में मैंने यहाँ स्पीसीज से पढ़ना शुरू किया था अलग अलग प्लांट के, एक एक प्लांट के बारे में, वो यहाँ पहुंचते पहुंचते एक ही किंगडम में आ गए। जितने एनिमल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था टाइगर के बारे में लायन के बारे में यहाँ से, लेकिन किंगडम में आते आते एक ही किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि जितने जो भी ऑर्गेनिज्म नया मिलता है उसको क्लासिफाई किया जाता है, और क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स हैं। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसका स्पीसीज डिसाइड होगा इसको कौन सा स्पीसीज में आएगा, फिर उसका जीनस डिसाइड होगा, फिर उसको उसका फैमिली डिसाइड होगा, ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम, ये सारे डिसाइड होते हैं कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो। और अपन यही तो पढ़ रहे हैं शुरू से डायवर्सिटी के बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, ये तो हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किंगडम। किंगडम बताइए आपको क्या होगा, बहुत सारे फाइलम या डिवीजन मिलके क्या बनाएंगे, किंगडम बनाएंगे। सेम बात, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। समझ आया? या फिर यहाँ पे ऑल प्लांट्स भी कर सकते हो, ऑल प्लांट्स बिलोंगिंग टू वेरियस डिवीजन और सारे मिलके किंगडम में। ठीक है, सारे जितने भी एनिमल्स है वो एक ही किंगडम बनाएंगे, एनिमेलिया। एनिमल्स आर किंगडम एनिमेलिया, ऑल किंगडम्स यहाँ पे कर दो। और ऑल एनिमल्स आर किंगडम एनिमेलिया एंड ऑल प्लांट्स आर किंगडम प्लांटी। प्लांट के लिए प्लांटी और एनिमल्स के लिए एनिमेलिया, ये सबसे बड़ा किंगडम है। समझ में आ गया? मैंने दो क्लास में एक ही बात को मैं इतनी बार बोल रखा हूं कि आप लोग को समझ में आना चाहिए और दिमाग में सेट भी हो गया हो। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे छोटा स्पीसीज होता है, फिर जीनस होता है, फिर फैमिली होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर क्लास होता है, फिर फाइलम होता है, फिर किंगडम होता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद है स्टेप बाय स्टेप। तो आप सीधे सोच लो कि नीचे सोचना है कि नीचे से एग्जांपल इस रखा है टाइगर का, लायन का, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता जाएगा और सिमिलिटी कम होता जाएगा। यही बस याद रखना है, सेम स्पीसीज जितने होंगे उसमें सिमिलिटी ज्यादा होगा। जीनस पे जाएंगे तो सिमिलिटी कम होगा, उससे ऊपर जाएंगे फैमिली में सिमिलिटी और कम होगा, ऑर्डर में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, सिमिलिटी कम होता जाएगा। ठीक है, किंगडम बनाने के बाद सारे एनिमल्स जितने भी एनिमल्स आप देखते हो सब वो भी एनिमेलिया में, मॉस्किटो भी एनिमेलिया में है, फिश भी एनिमेलिया में है, आपके जो कॉकरोच है वो भी एनिमेलिया में है सब, और हम भी एनिमेलिया में। इस लेवल पे आके सब एक समान हो जाता है, एक ही एनिमेलिया में। प्लांट में जितने भी प्लांट देखते होंगे, बड़े से बड़े प्लांट से लेकर छोटे छोटे पौधे तक जितने भी हैं वो सारे एक ही किंगडम में आते हैं प्लांट में। अभी तक जो पढ़ा पूरा ये अपन सिस्टम डायवर्सिटी, उसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब जब अपन स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब अपन स्पीसीज से किंगडम की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। एक कंक्लूजन निकला। और सेकेंड कंक्लूजन निकला, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग। जब अपन हायर कैटेगरी की ओर जाते हैं, जब जीनस से फैमिली को गए या फैमिली से ऑर्डर की तरफ गए, तो सारे रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम होती है, होगी ना, क्योंकि बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली में आ गए, बहुत सारे फैमिली मिलकर ऑर्डर में आ गए। जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाते हैं डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता जाता है। हाइयर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट सेम लेवल। जब हाइयर कैटेगरी में बढ़ते हैं तो ऑर्डर के अंदर ही जितने टैक्सा होते हैं सेम लेवल पे, जैसे इस ऑर्डर के अंदर मैं बात करता हूं प्राइमेट्स की, अब प्राइमेट्स के अंदर ह्यूमंस भी आ गया, गोरिल्ला भी आ गया, एप भी आ गया, सोचने वाली बात, ये सारे आ गए सेम ऑर्डर के अंदर, तो डिफिकल्टी तो होगा ना। ह्यूमंस अलग है, उसकी स्पीसीज अलग है, इनका स्पीसीज अलग है, तो ये प्रॉब्लम होती है सेम लेवल पे। समझ में आ गया? अभी तक जो मैंने पढ़ा, ठीक है, ये जो है ना किंगडम, इसके बारे में बड़ा सा चैप्टर है, ठीक है, किंगडम के बारे में। प्लांटी का अलग है, एनिमेलिया का अलग है। एनिमेलिया को बोलते हैं एनिमल किंगडम, प्लांटी बोलते हैं प्लांट किंगडम। ये किंगडम पांच टाइप का होता है,
ठीक है, आरएस विटेकर ने दिया था फायर किंगडम, ठीक है, ये सब अलग से एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे किंगडम के बारे में, अलग से नए नए चैप्टर बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दो क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी चैप्टर के या इलेवंथ के लिए ट्वेल्थ में भी काम आएगा, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जब कोई क्लास की बात करता है, जब कोई किंगडम की बात करता है, जब कोई स्पीसीज की बात करता है, जब कोई जीनस की बात करता है, मैंने एग्जाम्पल दे के पूरा समझाया है, आप इस लेक्चर को देखोगे बार बार, या जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको बार बार देखोगे, समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और बाद में धीरे धीरे इसको रिविजन करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक दिन क्लासेज होती नहीं है आपकी, 30 में से क्लासेज होती है, 30 मिनट में ही बहुत कम ही पढ़ते हैं, उसको रिविजन ही करते हैं। अब बताओ इसको लास्ट लेक्चर से लेकर इन आज लेक्चर तक इसको कितनी बार हमने रिविजन कर लिया कि एसपीसी से किंगडम की ओर जाते हैं तो ये क्या है, ये स्टेप का क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, ये हम लोग कितनी बार पढ़ लिया है, किसी ने और इनको क्लासीफाई करते हैं, एसपीसी से किंगडम की ओर जाते हैं तो क्या नंबर बढ़ता ही कम होता है, कॉमन कैरेक्टर्स जो सिमिलरिटीज है वो घटता है कम होता है, ऑर्डर के अंदर क्या आता है, क्लास के अंदर क्या आता है, बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बनाते हैं, बहुत सारे फैमिली मिलके ऑर्डर बनता है, बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनते हैं, ये तो पढ़ा है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहने देता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।